मेरा अब तक का सबसे बड़ा सीरियल है। इसकी वजह ये है कि एक तो ये कि सबसे ज़्यादा पैसे भी लगे हैं इस पर और सबसे ज़्यादा वक्त भी लगा, सबसे ज़्यादा मेहनत भी लगी। मेहनत यूँ तो हम आप मैं जो भी सीरियल बनाता हूँ कोशिश होती है कि वो बेहतर से बेहतर बने, उसको हम अच्छे से अच्छा बनाएँ। लेकिन इस सीरियल में ख़ास तौर पर इसका बताता चलूँ कि रियासत एक हमारे पास असगर नदीम सैयद का स्क्रिप्ट है जो कि 3 साल या 4 साल से लिखा हुआ था। इसमें कोई अरेंजमेंट वाइज इतनी चीज़ें हैं इसमें रिक्वायर्ड थी कि हमेशा ये सीरियल शुरू होता था, कोई ना कोई डायरेक्टर इसमें अटेम्प्ट करता था कि बनाएं, फिर ये सीरियल बंद हो जाता था, रुक जाता था कि नहीं वो चीज़ नहीं हो सकती, वो एक्टर्स नहीं मिल सकते, वो दुबई में बने, दुबई में बने, फिर इंटीरियर में भी बने, फिर शहर में बने। आई थिंक इस सीरियल को यही बहुत अच्छा डायरेक्ट कर सकते थे, बहुत प्लान करके अपना काम करते हैं। और मुश्किल इस हमारे लिए प्रोड्यूसर के लिए मुश्किल भी बहुत हैं एज अ डायरेक्टर के, एक जो इनका दिल चाहता है मांग लेते हैं कि ये चाहिए, यहाँ 600 बंदा चाहिए, 200 बंदा चाहिए, मैं तो नहीं जानता। बोट के ऊपर जो है ये जिम जो होती है वो लेके निकल जाते हैं, ऐसी ऐसी जगह इन्होंने जिप यूज़ की है, दुबई वालों को उन्होंने बता दिया कि किस तरह जिप यूज़ की जाती है। बहुत मेहनत हुई है इस सीरियल पे। मैं अक्सर कभी भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता हूँ अपने किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में, हमेशा ही सोचता हूँ कि ओके मेहनत की, अल्लाह करे अच्छा चले जाए। दुआ तो अभी भी इसके लिए होगी कि अल्लाह करे अच्छा चले जाए, लेकिन मुझे आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ये सीरियल लोगों को पसंद आएगा और ये हिट होगा। हेलो, क्या कर रहा है बेटा? मेरी जान, नहीं आएगा तो हंसी आ रही थी, गुस्से में तेरे पे डायरेक्टर।